देखो, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमें इक्वेशन दिया होता था और उससे रिलेटेड पैरामीटर्स जो थे, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह, वो हम निकाल लेते थे और इक्वेशन को देख करके पैराबोला का ग्राफ बना लेते थे, है ना। अब देखो क्या होगा, अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और पैराबोला की इक्वेशन को निकालना होगा। देखो जैसे मान लो हमें कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल, कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ वर्टेक्स 0, 0, फोकस 0.3 एंड एक्सिस इज वाई एक्सिस। मान लो ऐसे दिया जाए, है ना। देखो क्या है, देखो अब पैराबोला का वर्टेक्स दिया गया 0, 0, है ना, और फोकस देखो 0.3 और एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। तो इसका मतलब देखो ये पैराबोला हो गया स्टैंडर्ड पैराबोला, है ना, क्योंकि देखो इसी का एक्सिस वाई एक्सिस होता है, वर्टेक्स 0, 0 होता है और फोकस यहाँ होता है। तो देखो ध्यान दो, ये पैराबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना, इसका इक्वेशन होता है ओपनिंग अप पैराबोला। देखो ए क्या होता है, ए होता है वर्टेक्स फोकस के बीच का डिस्टेंस। देखो ये वर्टेक्स, ये फोकस, तो ए कितना हो गया, 3 हो गया, ए की वैल्यू 3 पुट कर दी तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बोलो 12y। ध्यान दो, ए की वैल्यू 3 पुट कर दी तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 12। तो देखो ये पैराबोला का इक्वेशन आ गया, है ना। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और इक्वेशन निकालना होगा। देखो जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना, इफ मान लीजिए फोकस दिया गया है, है ना, फोकस दिया गया है 2.0 एंड डायरेक्ट्रिक्स, है ना, डायरेक्ट्रिक्स मान लीजिए दिया गया है एक्स इक्वल टू -2। देखो जैसे अभी जो फोकस दिया गया है, पहले देखो फोकस कहाँ है, फोकस है 2.0, 2.0 का मतलब क्या हो गया, बोलो एक्स एक्सिस पर राइट में। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -2 का मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। देखो ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या हो गया, एक्स इक्वल टू -2। तो देखो ये डिस्टेंस हो गया 2, है ना, एक्स इक्वल टू -2। तो देखो ये पैराबोला ऐसा हो गया ओपनिंग राइट पैराबोला। देखो ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये डिस्टेंस 2 हो गया। तो देखो ए की वैल्यू क्या हो गई, 2, और ओपनिंग राइट पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता, 4ax, ए को 2 रख दिया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। मतलब इस प्रकार के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट समझ में आ जाते हैं कैसे होंगे। हमेशा हमें ध्यान देना है जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको ट्रेस करना है, है ना। देखो ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ऑब्वियस है पैराबोला ऐसा ही होगा, है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी, ऐसा कई बार क्या होता है कि ये लोग इंफॉर्मेशन थोड़ी कम भी दे देते हैं, लेकिन आईआईटी में ऐसा नहीं होगा, है ना। देखो ध्यान दो, जैसे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं तो बात अच्छे समझ में आएगी। इसको लिखो, जरा मिटाने जा रहा हूं बच्चों। देखो देखो, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया जाए, हमसे कहा जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना, इफ फोकस दिया जाए 1.3 एंड वर्टेक्स दिया जाए, है ना, 1.6, ऐसे दिया जाए मान लो। अब देखो वर्टेक्स और फोकस को देखकर आइडिया लगाया जाए। देखो फोकस क्या है, 1.3, मतलब ये 1, ये 3, देखो यहां पर कहीं फोकस हो गया 1.3, है ना, और वर्टेक्स क्या है 1.6, तो ये 1 और ये 6, देखो ये वर्टेक्स हो गया, है ना। देखो ये डिस्टेंस हो गई 3 और देखो ये डिस्टेंस क्या हो गई 6, है ना, और ये डिस्टेंस क्या हो गई 1, ये फोकस है, ये वर्टेक्स। तो देखो पैराबोला कैसे होगा, पैराबोला देखो इस टाइप का होगा, ये पैराबोला इस टाइप का होगा, है ना, ओपनिंग डाउन होगा, क्योंकि फोकस जो है वो हमेशा पैराबोला के अंदर आता है, है ना, फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर आता है। और देखो ये वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन इसकी एक्सिस हो गई, है ना, वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन पैराबोला की एक्सिस हो गई, तो पैराबोला इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ऐसे पैराबोला बनेगा। अब देखो इस टाइप का जो पैराबोला होता है, देखो जैसे हम इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन क्या लिखते हैं, देखो ये ओपनिंग डाउन है, तो ओपनिंग डाउन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay होता है, ठीक।
लेकिन इसका वर्टेक्स चेंज है, इसका वर्टेक्स 0, 0 नहीं है, तो क्या होगा? देखो इसका इक्वेशन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4ay माइनस बीटा, क्योंकि देखो जो ओपनिंग डाउन पैराबोला होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, है ना। लेकिन इसका वर्टेक्स चेंज है, इसका वर्टेक्स होता है 0, 0, इसका वर्टेक्स कुछ और है, तो इसलिए इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay माइनस बीटा। देखो अल्फा बीटा ये हो गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। देखो a क्या हो गया, a होता है वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो 3 हो गया, 3। देखो ध्यान दो, a मतलब vs, vs मतलब वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस, देखो ये 3 हो गया, तो a हो गया 3। देखो सारी वैल्यू यहाँ रखी जाए, x माइनस अल्फा यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a, 4a का मतलब माइनस 12, और y माइनस बीटा, बीटा का मतलब क्या हो गया 6। तो कोई ये हमारे पैराबोला का इक्वेशन आ गया, है ना, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay माइनस। देखो ध्यान दो, ये जो पैराबोला है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, क्योंकि इसका एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए हमने इसका इक्वेशन देखो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिया। देखो एक दो एग्जांपल मैं और कराता हूँ आपको, इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए क्वेश्चन को करने की। देखो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन करना है और हमें मान लो वर्टेक्स दिया गया 3, 2, और मान लो हमें डायरेक्ट्रिक्स, है ना, मान लो हमें डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है, फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू 4, हमें वर्टेक्स दिया गया और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया। देखो ये पैराबोला देखना है क्या होगा। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअल ग्राफ बनाना पड़ता है, रफ ग्राफ से काम नहीं चलता, यहाँ पर हमें एक्चुअली देखना पड़ता है कि कहाँ पर हमारे जो पैरामीटर दिए गए वो होंगे। अब यहाँ पर रफ ग्राफ नहीं बनाएंगे, एक्चुअल ग्राफ। देखो ये हमारा ओरिजिन है 3, 2, देखो यहाँ पर कहीं वर्टेक्स आ गया 3, 2, है ना। देखो ये ऐसे, ये डिस्टेंस हो गया 3 और ये डिस्टेंस कितना हो गया 2, ये 3, 2। देखो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस के पैरेलल लाइन। देखो y इक्वल टू 4 लाइन, ऐसे करके देखो ये लाइन क्या हो गई, बोलो y इक्वल टू 4, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, तो इसका मतलब देखो कुछ ऐसे करके यहाँ पर होगा ना, ये देखो ऐसे करके ये पैराबोला कुछ जाएगा ऐसे करके, है ना, सॉरी पैराबोला वर्टेक्स से पास होगा, तो पैराबोला देखो ऐसे करके वर्टेक्स से पास होगा, है ना, पैराबोला वर्टेक्स से पास होगा, और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैराबोला के पीछे होता है, है ना। तो ओपनिंग डाउन पैराबोला बनेगा, यहां से कंफर्म हो गया, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला के पीछे होता है, ध्यान दीजिए। अब देखो क्या हुआ यहां पर, देखो ये डिस्टेंस 4 है, 4, और देखो ये डिस्टेंस 2 है, तो देखो ये डिस्टेंस हो गई 2, देखो ये a आ गया 2, क्योंकि वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2, है ना। देखो 3, 2 है ये, 3, 2 का मतलब ये डिस्टेंस 3, ये 2, और ये y बराबर 4 है, तो ये डिस्टेंस 4, ये डिस्टेंस 4, ये 2, तो ये डिस्टेंस देखो 2 हो गई, तो ये a हो गया। अब देखो ये पैराबोला कैसा है, ये पैराबोला देखो ओपनिंग डाउन है, बिल्कुल वैसा ही, तो इसीलिए देखो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर माइनस 4a और y माइनस बीटा, है ना। देखो ये पैराबोला कैसा है, बोलो ये पैराबोला ओपनिंग डाउन हो गया, है ना, ओपनिंग डाउन पैराबोला, और ओपनिंग डाउन पैराबोला का इक्वेशन देखो ये होता है वर्टेक्स अल्फा बीटा। देखो ध्यान दो, अल्फा बीटा देखो ये है, ये अल्फा है और देखो ये बीटा है, तो क्या हुआ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a है 2, तो माइनस का 8 और बीटा क्या है, बोलो 2, तो y माइनस 2, देखो ये हमारे इस पैराबोला का इक्वेशन आ गया, है ना, क्योंकि देखो ओपनिंग डाउन पैराबोला है, ओपनिंग डाउन पैराबोला का मतलब x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, है ना, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, x की जगह x माइनस अल्फा और y की जगह क्या आ गया, बोलो y माइनस बीटा, ठीक है। ए निकाल लो, अल्फा बीटा मालूम होगा, तो हम लोग पैराबोला की इक्वेशन को आसानी से निकाल पाएंगे। देखो ध्यान दो, एक दो क्वेश्चन में और कराता हूं आपको, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। देखो क्या होता है, मान लीजिए हमें फॉर एग्जांपल दिया गया है क्वेश्चन, देखो मान लो हमें फोकस दिया गया है 1, 3, है ना, फोकस क्या दिया गया, बोलो 1, 3,
और हमें डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है x इक्वल टू 6। देखो अब हम सर्च करेंगे आखिर ये फोकस है कहाँ, 1.3। देखो 1.3 यहाँ पर कहीं फोकस हो गया 1.3 है ना। देखो ये डिस्टेंस हो गई 1 और ये 3। देखो ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस है 1 और देखो ये डिस्टेंस क्या हो गई 3। और देखो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 का मतलब देखो क्या हुआ, y एक्सिस के पैरेलल लाइन। देखो ये x इक्वल टू 6 हो गया डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक है। देखो क्या होगा, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये लाइन इसकी एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस है ना, ये लाइन देखो एक्सिस हो जाएगी। अब देखो जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स कहाँ होगा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में। देखो यहाँ कहीं वर्टेक्स होगा और ये इसका फोकस है, तो फोकस पैराबोला के अंदर होता है। देखो ये ग्राफ बनेगा पैराबोला का, है ना, क्योंकि देखो ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो एक्सिस होगा देखो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, वो फोकस से पास होगा। और वर्टेक्स क्या होगा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में और एक्सिस पर ही होगा। वर्टेक्स हमेशा एक्सिस पर ही होता है क्योंकि जितनी डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस की होगी उतनी डिस्टेंस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स की भी होगी। देखो ध्यान दो, ये डिस्टेंस 1 है, ये 3 है, देखो ये डिस्टेंस हो गई 5। देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 है ना, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 6 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 है, तो ये डिस्टेंस एक्चुअली 6 है, इसीलिए ये 1 थी, तो देखो ये डिस्टेंस हो गई कितनी, बोलो 5। ध्यान दो ये डिस्टेंस 5 हो गई। अब देखो क्या हुआ, ये 5 है तो देखो ये हो गया 5/2 और देखो ये भी क्या हो गया 5/2, दोनों 5/2 5/2 हो गई है ना, दोनों देखो डिस्टेंसेस 5/2 5/2 हो गई। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, जैसे हमें वर्टेक्स को निकालना है तो देखो ये होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट और देखो ये होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट है ना। देखो ये वर्टेक्स है, ये ओरिजिन है, तो ये देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट। देखो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, देखो ये डिस्टेंस 1 और 5/2, तो देखो 1 + 5/2 मतलब 7/2, तो देखो ये हो गया 7/2। ध्यान दो फिर से, देखो ये वर्टेक्स है ना, देखो ये 1 और ये 5/2 है ना, 5/2, तो क्या हुआ 7/2 और ये डिस्टेंस कितना हो गया 3, तो 7/2, 3। देखो वर्टेक्स है ना क्या हो गया, ये 1 और ये 5, देखो 5/2 क्यों, क्योंकि वर्टेक्स इन दोनों के ठीक बीच में होगा। देखो ये डिस्टेंस 6 है और ये है 1.3, देखो ये डिस्टेंस 1, तो ये ऑब्वियस है 5 हो गई, तो ये भी 5/2, ये भी 5/2, क्योंकि वर्टेक्स इन दोनों के बीच में होता है। तो वर्टेक्स का देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये डिस्टेंस 1 और ये 5/2, तो कुल मिला के डिस्टेंस क्या हो गई 7/2। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 7/2 और वाई कोऑर्डिनेट 3। देखो ये वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। देखो ए क्या है, ए होता है वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि 5/2। देखो ये ए हो गया है ना, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस, देखो ये ए हो गया। अब देखो ये पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट है, अब ध्यान दो ओपनिंग लेफ्ट जो पैराबोला होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है ना। अगर कोई पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, बोलो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। लेकिन इसका वर्टेक्स चेंज है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a और एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि ये इक्वेशन तब होता है जब वर्टेक्स 0-0 पर होता है ना, क्योंकि देखो ओपनिंग लेफ्ट पैराबोला है ना, तो इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होता है, लेकिन तब जब वर्टेक्स 0-0 हो। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, अल्फा बीटा, तो देखो वैल्यू पुट करो, बीटा देखो ये है, तो क्या हुआ वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर -4a, देखो -4 × 5/2 एक्स माइनस अल्फा, अल्फा कितना है बोलो 7/2, तो देखो क्या हुआ वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 10 और एक्स माइनस 7/2, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना। देखो ये अल्फा ये बीटा है ना, तो क्या हुआ देखो ए क्या है, वर्टेक्स फोकस के बीच का डिस्टेंस ए कितना है 5/2। देखो ध्यान दो वाई माइनस बीटा, बीटा मतलब देखो 3, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a, ये कितना है 5/2,
तो ये हो गया 10x माइनस अल्फा, अल्फा कितना आ गया 7/2। तो इस पैराबोला का इक्वेशन आ गया। देखो ध्यान दो, ये जितने भी पैराबोला अभी तक हमने पढ़े, देखो जैसे ये पैराबोला है, इसकी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो ये पैराबोला है, इसकी एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो जितने पैराबोला होते हैं जिनकी एक्सिस या तो एक्स के पैरेलल हो या वाई के पैरेलल हो, तो इस टाइप के जो पैराबोला होते हैं इनकी इक्वेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इन वाले मेथड से। एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फ़ा रख दिया, वाई की जगह वाई माइनस बीटा रख दिया, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, वर्टेक्स। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा पैराबोला हो जिसका कि एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसके इक्वेशन को निकालने के लिए मैंने बताया था हमें डेफिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे एग्जांपल देखेंगे। हालांकि जो पैराबोला इंक्लाइंड होता, मतलब जिसका एक्सिस ना तो एक्स के पैरेलल हो ना वाई के पैरेलल हो, उसको कहते हैं इंक्लाइंड पैराबोला। हालांकि इंक्लाइंड पैराबोला के बारे में आईआईटी पूछता नहीं है, रेयरली कोई एक आध क्वेश्चन पूछा हो तो पूछा हो, क्योंकि आईआईटी ये स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में पूछता है। स्टैंडर्ड का मतलब चार वो और चार उनसे मिलने वाले। लेकिन ध्यान रखना, स्टैंडर्ड में जो उसका एक्सिस होता है या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है या वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो उसे कहते हैं इंक्लाइंड पैराबोला। और इंक्लाइंड पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालना है ये अभी हम लोग देखेंगे, है ना। लिखो जरा बच्चों ध्यान से। हालांकि इंक्लाइंड पैराबोला मैंने बताया आईआईटी के सिलेबस में होता नहीं है, है ना। उसका रियली कोई क्वेश्चन एक दो आईआईटी ने पूछा होगा तो पूछा होगा। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको।